वेलकम टू श्री जी फूड। मैं हूं मनीषा ठक्कर। आज हम बनाएंगे वेज नूडल्स कटलेट। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है क्योंकि इसमें ढेर सारे वेजिटेबल और व्हीट नूडल्स का मैंने इस्तेमाल किया है, तो घर में छोटे बड़े सभी को बहुत ही पसंद आता है। तो चलिए इसे किस तरह से बनाना है वो देख लेते हैं। कटलेट्स बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम उबले हुए आलू को छील के मैश करके तैयार रखा है। आप जैन है तो कच्चा केला इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बड़ी कटोरी हमें मिक्स वेजिटेबल बारीक चॉप करके लेने हैं। आप इसे फूड प्रोसेसर में या चिली कटर में तैयार कर सकते हैं। उतनी ही क्वांटिटी में मैंने गेहूं के नूडल्स बॉईल करके लिए हैं। आप राइस या मल्टीग्रेन नूडल्स ले सकते हैं। सिर्फ नमक डाल के उसे उबाल ले। इसमें आधा कप कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। इसी के साथ हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। जनरली हम नूडल्स में और आलू में नमक डालते हैं, तो उस हिसाब से डालें। एक बड़ा चम्मच या स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर। मैंने जो भी सब्जियां इस्तेमाल की है उसका लिस्ट नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थोड़ा चाट मसाला और आखिर में हम इसमें थोड़ा चिली फ्लेक्स डालेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर ले। मैंने कैबेज, कैप्सिकम, कैरेट और हरी मिर्च ली है और क्वांटिटी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताई है। इस तरह से मिक्स हो जाए उसके बाद हाथ धो के हम इसमें से गोल टिक्की बना लेंगे। आप चाहो तो हार्ट शेप भी दे सकते हो, जो मोल्ड आता है उसका इस्तेमाल करके इस तरह से टिक्की बनानी है। फिर स्लरी बनाने के लिए मैंने आधा कप मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है, जिसे कॉर्न स्टार्च भी बोलते हैं। उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी पतली स्लरी बनाएंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्स ना हो उसका खास ध्यान रखें। तो आप देख सकते हैं इस तरह की मैंने पतली स्लरी बनाकर तैयार की है और मैंने 1 कप में से भी 2 चम्मच जितना पानी बचा है उतना इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा नमक डाल के उसे मिक्स करें। अब आउटर लेयर के लिए मैंने ब्रेड की स्टिक ली है, जिसे मैंने ड्राई कर लिया है। आप चाहो तो इसके बदले रेडी जो टोस्ट आते हैं, बटर टोस्ट, वो भी ले सकते हो। उसे मिक्सी में पीस के तैयार करना है, बारीक पीसना है इसे। तो अब हमने जो कटलेट बनाई वो जो मैदे की स्लरी बनाई है और ब्रेड क्रम्स, तीनों चीजें तैयार है। तो अब हम लास्ट वाली प्रोसेस करेंगे, जिसके लिए हमें टिक्की को पहले स्लरी में डिप करना है। उसके बाद आउटर लेयर के लिए हम ब्रेड क्रम्स में उसका कोटिंग करेंगे। अभी हम सिंगल कोटिंग करेंगे। आपको ज्यादा क्रिस्पी चाहिए तो आप डबल कोटिंग भी कर सकते हो। तो ये प्रोसेस करने के बाद फिर से आपको स्लरी में डिप करना है और फिर से ब्रेड क्रम्स में कोटिंग करना है। इस तरह से सिंगल कोटिंग करके मैं कटलेट तैयार कर लेती हूँ और जो मेजरमेंट लिया उससे इस साइज की 7 से 8 कटलेट बनकर तैयार होती है। इसे फ्राई करने के लिए मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। जब तेल गरम हो जाए तब गैस लो करके टिक्की या कटलेट इसमें डालेंगे। इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। कभी भी इसे स्लो फ्लेम पे फ्राई ना करें, नहीं तो इसमें ऑयल आता है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे और थोड़ी देर के बाद इसे पलटाएंगे। इसे फ्राई होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि सब्जियां बारीक चॉप करके ली है और नूडल्स और आलू उबले हुए हैं, तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसे पकने में ज्यादा टाइम लगे। 3 से 4 मिनट के बाद ये कटलेट फ्राई होके तैयार हो जाती है, तो इस तरह की क्रिस्पी वो फ्राई होनी चाहिए। इसे हम पेपर नैपकिन पे निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी की फ्राई करके तैयार करेंगे। जो कटलेट हमने बनाई वो कैसी बनी है वो भी दिखाती हूँ। तो इसका आउटर लेयर एकदम क्रिस्पी और ये कटलेट खाने में एकदम सॉफ्ट बनती है। इसे सर्व करते हैं। तो अब हमारी मिक्स वेज नूडल्स कटलेट सर्विंग के लिए तैयार है। आप इसे चटनी या केचप के साथ सर्व कर सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, तो एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी।